आज हम जड़ावाला केस के हवाले से मुकदमा नंबर 212-70 और 1271, इसमें मुलजमान फ़खरुल इस्लाम और मुलजम मोहम्मद अलियास, मुलजम मोहम्मद अजीम और मोहम्मद सलीम, इनकी ज़मानतें यहाँ पे दहशतगर्दी की अदालत में पोस्ट अरेस्ट बेल लगी हुई थी, जहाँ पे हम आए और हमने आर्गुमेंट किया और हमने बताया कोर्ट को कि किस तरह ये मुलजमान जो थे ये चर्चेस को जलाने में, किस तरह उनको तोड़ फोड़ करने में, किस तरह बाइबल मुकदस की बेहरमती करवाने में ये मुलव्वस थे, और इनको हमने कोर्ट को बिल्कुल हमने असिस्ट किया और उनको हमने बताया कि इनकी जो ज़मानत है वो बिल्कुल खारिज की जाए। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुकदमा में 10-15 मुलजमान की पहले ही ज़मानत हो चुकी है। बहुत सारा काम इसमें होना बाकी था जो किसी ना किसी वजह से प्रॉपर काम नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान, ये हमारे साथ मुदई भी हैं 271 मुकदमा के मुनीब साहब, और ये गवाह हैं हमारे साथ। हम तो अपनी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे मुदियान ने कुछ अक्यूज़ के बारे में बयान हल्फी भी दिए हैं सुलह के लिए कि हमारे वो मुलज़म नहीं हैं, जो इस तरह के मुकदमात को कमज़ोर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें जो लोग जिस तरह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा वहाँ पे जाते रहे हैं, अभी हमारा उनसे मुतालबा है कि आप यहाँ पे लोगों की कानूनी मदद के लिए भी हाथ बटाएं, आगे आएं और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने लोगों के लिए, हमारे जो मुदई हैं उनके साथ खड़े हों, ताकि हम इंसाफ के लिए जदोजहद कर सकें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.